अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के फजल व करम से आप सब हरियत से होंगे। माशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज माशाल्लाह जुमात मुबारक भी है और ईद का दूसरा दिन भी है। एक्चुअली एक दिन पहले जो है ईद हो गई थी, तो मैं अपने वेयर हाउस पे हूँ। कुछ दुकानदार की कालें आ रही थी, हमें स्टॉक चाहिए, तो मैंने दो तीन गाड़ियाँ भेजी हुई हैं बाहर, उसका वेट करो। जुम्मे का टाइम भी हो रहा है अभी, सब कज़न इधर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि रात के लिए कुछ प्रोग्राम करें, तो रात का कुछ हमारा प्लान भी है। वो क्या प्लान है वो हम आपको रात को बताएंगे। अभी मैं जुम्मे की तैयारी भी करनी है, जुम्मे के लिए जा रहा हूँ। आपको आपकी मुलाकात कराता हूँ अपने कज़न के साथ, उनके हालात पूछते हैं, तो इंशाल्लाह फिर शाम को फिर मुलाकात होगी। ले जी, मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ अपने कज़न के साथ। मैसम भाई अस्सलाम वालेकुम। मैसम भाई की हाल है? लगता है फ्रेश नहीं हुए तुम ना, रात लेट आए ना घर, नींद नहीं बुरी हुई। वही ना हान भाई, क्या हाल है? ठीक है, क्या सोच रहे हैं? तो चले नमाज के लिए फिर। और हम भाई बहुत ही ठीक हो? हरियत है? कुछ नहीं सर, वो गाड़ियों का इंतजार हो रहा है, अभी जुम्मे का टाइम भी है, तो जुम्मे के भी निकलना है। तो रात का क्या प्लान है? बन रहा है प्लान? तो फिर प्लान सरप्राइज होगा, ठीक होगा जी। हसन भाई जी, वालेकुम सलाम। तो की प्लान है तुहाडा रात का जी? जी बाबा ठीक है, तुसी बैठो फिर, मैं जा रहा जुम्मे वास्ते, दे तुसी गड़ियां दिया हिसाब वगैरह कर लियो, दे पेमेंट ले लियो, उन्होंने फिर आन के मुलाकात होंगी तुहाडे नाल जी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुमा की नमाज अदा करने के बाद अब दोबारा जो है ना मैं वेयर हाउस की तरफ निकल रहा हूँ, क्योंकि उधर कदम बैठे हुए हैं, गाड़ियाँ भी गई हुई हैं माल उतारने के लिए, तो अब दोबारा जो है ना उधर जाना पड़ेगा डिप्टी पे। तो उधर ये हमारा घर के बाहर का व्यू है, चलो जिधर हम रहते हैं उधर का व्यू किसी दिन आपको दिखाएँगे। हम जा रहे हैं कोको कोला के वेयर हाउस पे, बस दो मिनट के बाद पहुँच जाएंगे। ये जी मेन रोड है, गुलवा रोड, ये सीधा जो है ना एयरपोर्ट जाता है, सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये रोड जाता है इधर। धूप बहुत तेज है बाहर ना, दिल ही नहीं करता बाहर निकलने का। जी जी, अब हम पहुंच गए हैं अपने वेयर हाउस पे। ये गाड़ियाँ वापस आ गई हैं, एक दो वापस आ गए, एक ने अभी वापस आई। जी आज जो है ना लड़के नहीं है, छुट्टी है, इसका सेकंड डे है, तो जो लेबर है ना वो नहीं है हमारी। आज जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं वो खुद ही जा रहे हैं, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई कजन जा रहा है, कभी कोई कजन जा रहा है। सुबह मेरा भी नंबर था, मैं खुद भी गया हूँ, वो तो मैं आपको नहीं दिखा सका, लेकिन जो है ना मैं नमाज के बाद आया हूँ, अब फिर दोबारा गाड़ी जानी है, तो मैं जो है ना आज खुद ही जो है ना स्टॉक लगाऊंगा गाड़ी के अंदर। कोको पहले कोक लगाते हैं, क्यों भी पहले कोक लगानी है, डेढ़ लीटर पहले डेढ़ लीटर कोक लगाएंगे, उसके बाद स्प्रेड लगाते हैं, चले स्टार्ट करते हैं। देखने में ये काम बहुत आसान है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये 9 किलो का एक जो है ना ये बनते हैं 6 बोतलें जो पेट है, एक 9 किलो का बनता है और 18 किलो, ये दोनों साइडों पे 9 किलो, ये 9 किलो, ये 18 किलो वजन उठाना पड़ता है। उधर से लेकर है इधर लगाना है, ये तो कोक नज़दीक है तो ये आसानी से लग जाएगा। स्प्रेड हमें दूसरी साइड से उठाना पड़ेगा, फिर लीटर, फिर स्प्रेड, कोक, फिर स्टैंडर्ड, उसके बाद इस गोदाम में जो है ना शीजान पड़ा हुआ है उधर से लगाना है, तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो अब मैं ये गाड़ी लोड करवा लूँ, अभी तो मैंने 6 पट लगाया, तुम मुझे लग रहा है कि मैं थक गया हूँ, तो बाद में फिर मिलते हैं। खुद ही जो है ना लोड कर, आधी गाड़ी लोड हो गई है, ये हान साहब हैं, ये भी लगे हैं, बाबा जी भी लेकर आ रहे हैं,
खुर्रम भाई हसन भाई भी उठा के ला रहे अभी लेकर आए। नहीं सर मेरा नहीं काम, ये इनका काम है। गड्डी है खुर्रम भाई जी जी लेबर लगाई है इधर। नहीं बहुत काम कर रही लेबर। हेलो बाबा जी देख मेरा डाले मोहम्मद अली, ये देखिए मोहम्मद अली भी आया आज जो है ना काम करने के लिए। ये देते सर हमने लेबर आई है दाढ़ी देनी है इनको पैसे देने पैसे खुला भी ला ये रे इलहा साहब टीमे वाले टिक्यू पे लगाया इन तो लें जी। खाना खाने के बाद ना कॉल किए इन्होंने कि थोड़ा सा जो है ना हमारे लिए भी ले आना, भूख लगी हुई है। तो इधर वेयर हाउस पे बैठे हुए थे तो अभी इधर घर से खाना लेकर आए। मैं कह रहा हूँ कि प्लेट वगैरह ले आते, कहते नहीं इसी में डालने साल हाथों से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये खाना खा रहे हैं लेकिन देखें कमाल का व्यू बना हुआ है। अभी ईद के बाद जो है ना मैंने कहा लड़के हो के ये सफाई करे, इधर ऊपर मशीन लगवानी है ताकि जो घास है वो बराबर हो जाए। चलो काका जी करो शुरू। जी अलहमदुल्ला ठीक ठाक। नहीं आप करें स्टार्ट, नहीं नहीं आप स्टार्ट करें बाद में बताना कैसा मजा है। नूरा जी चक्के रखो बच्चों के साथ क्रिकेट। नहीं बच्चों के साथ जो है क्रिकेट हो रही है। चलो जी आ ये बा जी कराओ बाल। बच्चे घर से आए हैं क्रिकेट खेलने के लिए क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है तो क्रिकेट खेल रहे हैं। जी हमारी बालें करवा रही है, बाल गंदा होगा कह रही है इधर फील्डिंग करें। चलो दो खेलो चलो ये देखें जी आज का सरप्राइज। आज जो है ना हमारे खुर्रम भाई केमी वाली टिक्कियां बना रहे हैं। जी खुर्रम भाई बताएं। खुर्रम भाई सर जी 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 बिल्कुल मुर्शद, ये मुर्शद बागदाद बैठी हुई है। ठीक क्या कहते हैं बहुत अच्छा टेस्ट है। ठीक है मान भाई को भी टेस्ट चेक कराया, मान भाई अंदर चले गए हैं। ठीक होगा कितना टाइम लगेगा ये नहीं मुकम्मल जो बनेगा फिर हमारे जो दोस्त ये सारी रात प्रोग्राम चलेगा सुबह तक प्रोग्राम चलेगा इंशाल्लाह। जी ठीक होगा सर थैंक यू सर जी 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 साहब जब ये त्यौहार होगा फिर आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे क्या बनाइए। लें जी अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम वो बस ख़त्म हो रहा है, बस चार पांच पीस रह गए बनने के लिए। बहुत मज़ा आया, शाह साहब ने हसन भाई ने चिमा साहब ने सब ने जो है ना मिलकर जो है ये आज कुछ खाना बनाया था, बहुत मज़े का खाना है। अब बैठे हुए हैं गपशप हो रही है, आपका थोड़ा सा मैं तारफ करवाऊँ आपको। नए चेहरे जो है ना आज आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारे भाई दनान है अस्सलाम वालेकुम, जो पहले दिन आप आ रहे हैं हमारे चैनल पर। भाई क्या हाल है ठीक है? तो भाई आप कुछ कहना चाहेंगे आगे चलें? ये मलक साहब हैं, ये मामू जी हैं, आगे भी मामू जी हैं, ये आप जानते हैं, ये बाबा जी हैं, चीमा साहब हैं, शाह साहब हैं, मौला साहब वे बड़े मुर्शद, ये छोटे मुर्शद। तो जनाब ये देखें खाना जो खा लिया माशाल्लाह बहुत मज़े का खाना था। ये अपने वीर बैठे हुए हैं, गपशप हो रही है, ठंडा ठंडा माहौल है। तो जी जवानों मज़ा आया जे, सही बनिया हन ए मान लो जी इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात होगी, आपने दुआ याद रखा जाए, साढ़े ना चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।